जिले के देवली की कृषि मंडी में माल की आवक कम हो गई है। अभी केवल नए मूंग की फसल जो कि डूब क्षेत्र में अधिकतर बोई जाती है उन्हीं की आवक हो रही है। मंडी व्यापारी अमित डावर ने बताया कि किसानों को दोहरा लाभ के लिए डूब क्षेत्र में किसान सरसों की फसल जल्दी कटने के बाद मूंग को फसल को बोते हैं जो करीब 2 माह में तैयार हो जाती है। इस मूंग की फसल में रोग नहीं आता है। सर्दी वाले फसल में मूंग जल्दी खराब हो जाते हैं, उसमें रोग आने की संभावना रहती है और मंडी में मूंग की करीब 200 बोरी रोज बिकने के लिए आ रही है। फसल के भाव करीब 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं। देवली कृषि मंडी में नए मूंगों की आवक हो रही है। लगभग 200 से 300 बोरी की आवक देवली मंडी में हो रही है। इससे किसानों को एक नवाचार किया है किसानों ने, जो डूब क्षेत्र में जो जमीनें खाली रहती है या सरसों जिनकी पूर्व में कट जाती है उनके खेतों में बिजाई होती है, इससे एक फसल अधिक ली जाती है, उससे किसानों को फायदा होता है। इसका भाव अभी करीबन 6000 रुपये प्रति क्विंटल के साथ चल रहा है और ये जो फसल आती है उच्च क्वालिटी की आती है। कैनन न्यूज़ के लिए देवली से राजन नामा की रिपोर्ट।